मुलायम एक्टिंग, अखिलेश के चेहरे पर आई चमक, मुलायम की रणनीति अखिलेश ने अपनाई, बीजेपी को मुलायम अंदाज में मिलेगा जवाब। लंबी बीमारी के बाद सपा संरक्षक मुलायम सिंह नीति में एक्टिव होना बीजेपी के लिए खतरनाक है। उसे विश्लेषण के आधार पर समझने से पहले एक वाक्य के जरिए समझिए, जानिए यूपी की राजनीति के हर दाव से मुलायम सिंह यादव कितना वाकिफ हैं। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने नेताजी से मुलाकात की और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने का न्योता दिया। बीजेपी की कोशिश थी कि कल्याण सिंह के निधन पर सपा के किसी बड़े नेता के न आने का मुद्दा बनाया जाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने एक ऐसा दाव चला कि बीजेपी की प्लानिंग नाकाम हो गई, सारे सपने धरे के धरे रह गए। मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा में आने का ऑफर दे दिया। मुलायम सिंह यादव ने अपने दाव से दो मैसेज देने का काम किया, पहला बीजेपी में पिछली जातियों की पूछ नहीं और दूसरा वह सियासत में अभी भी मंझे हुए खिलाड़ी हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की उम्र 81 साल है, लेकिन करीब 6 दशक से ज्यादा उन्होंने राजनीति को अपनी हर रणनीति से ये वाकिफ कराया कि वह उनके खास हैं। एक बार फिर 2022 की लड़ाई उन्होंने अपने बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सियासी महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाई देने के लिए सपाइयों को जीत का मंत्र दे दिया। कहा, बूथ पर का चल रहो है, तुम लोग हवा में न रहो, बीजेपी वाले बूथ पे काम कर रहे हैं, बूथ को मजबूत करो, हर मंडल पर रैली करिए। तो मानिए मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद एक बार फिर सक्रिय हैं, यूपी की राजनीति को अपने अंदाज में रास्ता दे रहे हैं। वो कभी लखनऊ में मौजूद सपा दफ्तर पहुंच जाते, कभी कई नौजवानों से मुलाकात करते, उन्हें शाबाशी देते, शुक्रिया करते और फिर बूथ मैनेजमेंट के टिप्स देने से भी नहीं चूकते। वो सपाइयों से पूछते, तुम लोग बूथ पर क्या कर रहे हो, बूथ को मजबूत करो, बीजेपी वाले बूथ पर काम कर रहे हैं, हवा में मत रहना। बूथ मैनेजमेंट का टिप्स देने के साथ ही मुलायम सिंह यादव ये भी कहने से नहीं चूकते, मैं हर मंडल स्तर पर रैली को संबोधित करूंगा, मैं चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रहूंगा और पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करें। अब मुलायम सिंह यादव का लंबे अंतराल के बाद राजनीति में फिर से सक्रिय होना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए कितना अहम है उसे समझिए। जब मुलायम अचानक सपा कार्यालय आए तो अखिलेश यादव के चेहरे पर नई चमक दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था, नेताजी का यहाँ आना सोने पर सुहागा हो गया। तो कुल मिलाकर मानिए मुलायम के लक्ष्य में हर बूथ है, जिस पर अगर सपा की पकड़ हुई तो 2022 की लड़ाई में जीत पक्की होगी। अखिलेश भी ऐसा मानते हैं, तभी तो अखिलेश कार्यकर्ताओं को ये बताने से हिचकते नहीं है, सीधा संदेश देते हैं, कहते नजर आते हैं। अब की बार बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बुरी नजर लगी है और ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। अखिलेश सीधी बात सधे अंदाज में सपाइयों को समझाते हैं, कहते हैं वो बिना समय गवाए अपने क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी से जुट जाएं, इस कार्य में कोई कोताही ना हो, बूथ पर तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता ये ना भूलें कि उन्हें ऐसा अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। सपा के धुरंधरों का साफ संदेश है, राजनीति का ट्रैक बिल्कुल क्लियर है, रणनीति बस यही है कि हर बूथ सपा के साइकिल रफ्तार के साथ पहुंचे, हर बूथ सपाइयों का दबदबा है, हर बूथ से जीत का रास्ता निकले, इसीलिए कार्यकर्ता बूथ पर अपनी नजर पैनी रखें।